मेवात जिले के फिरोजपुर जिरका लड़की प्रकरण मामले में आने वाली 25 अगस्त को हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी महापंचायत सेवम वाटिका फिरोजपुर जिरका में होने जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजामात कर लिए गए हैं। वहीं फिरोजपुर जिरका थाना प्रभारी श्री हरि सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में आने जाने वाले वाहनों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है तथा उनकी चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई असामाजिक तत्व शहर के अंदर प्रवेश न कर जाए तथा कोई अनहोनी घटना नहीं घट सके। उसी को लेकर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न जगहों पर जहां एक और नाके लगाए गए हैं, वहीं हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर से सटे मुंडा का पर काफ़ी जवानों की तैनाती की गई है। थाना प्रभारी फिरोजपुर जिरका हरि सिंह ने बताया कि फिरोजपुर जिरका में धार्मिक स्थल जैसे मंदिर मस्जिदों पर अतिरिक्त पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके। असामाजिक तत्व किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने इलाके के लोगों से पूर्ण शांति बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा प्रबंध कर लिया गया है। सर, आज फिरोजपुर जिरका में यानी कि लड़की प्रकरण मामले को लेकर सुबह से जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो है 25 अगस्त को एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा कैसे सुरक्षा के इंतजाम हैं? सुरक्षा के इसमें पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के जितने भी रास्ते हैं जो आउटर के, उन पर 7 नाके लगाए गए हैं, और जो सीमा जो बॉर्डर लगती है उस पर 4 नाके बॉर्डर पर लगाए गए हैं। जितने भी यहाँ मंदिर मस्जिद है उस पर हर जगह पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर मंदिर मस्जिद में 3-3, 4-4 जवान दिन के और रात के लगाए गए हैं। जो ड्यूटियाँ शहर में गश्त, नाइट पेट्रोलिंग या पैदल गश्त लगातार कितने जारी है। तो साफ तरीके से अगर कहा जाए तो सुरक्षा का इंतजाम पूरे हैं पुलिस? सुरक्षा के इस समय यहाँ शहर में पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।